पूरी तरह से खंडरा बन ही गया है और साथ में न्यू फोर लाइन हाईवे रोड पर भी जो मिट्टी भराव का काम चल रहा है वहां पर भी काफी धूल कोहरों जैसा उड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं रंगीला 2.0 का आवाज में। आप देख रहे हैं जी 2.0 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। ये NH80 राष्ट्र राजमार्ग मुंगेर भागलपुर के बीच बरियारपुर चौक के पूर्व साइड है। देखिए, रोड इतना टूट फसक कर बर्बाद हो गया है कि कहने की बात नहीं। देखिए, इस गड्ढा गुड्ढी ढाब ढुबी को कई बार रिपेयर किया गया है, फिर भी ये काबू नहीं पा रहा है। अधिक टोटो रिक्शा बराबरी चलने पर यहाँ पर काफी धूल उड़ने लगता है, जिसके कारण से यहाँ का स्थानीय व्यक्ति को काफी परेशानी होता है इस धूल को लेकर। कुछ व्यक्ति अपने पानी को व्यवस्था को लेकर अपने आमने सामने सिंचाई करता है रोड को धूल उड़ने से रुके। लगभग वीडियो बनाते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर कई बार रिपेयर किया फिर भी ये गड्ढा बन गया है। देखिए, NH80 राष्ट्र राजमार्ग का आयु पुर गया है और साथ में जब से मुंगेर का कृष्ण सेतु पुल बना है तब से और NH80 राष्ट्र राजमार्ग का काफी ट्रैफिक बढ़ गया है। ऑटो टोटो रिक्शा रिक्शा वाले व्यक्ति को काफी परेशानी होती है, कई जगह गड्ढा गुड्ढी है। देखिए कितना परेशानी होता है तो यहाँ के नागरिक ही जानेगा। देखिए, पानी को सिंचाई कर रहे हैं, हम दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। ऐसे ऐसे नागरिक धरती पर पैदा होना चाहिए ताकि समाज के हित में काम होते रहे। देखिए, ये पानी सिंचाई कर रहा है, ये नहीं सिंचाई करेगा तो यहाँ पर काफी धूल उड़ेगा तो काफी कोहरों जैसा उड़ेगा। एक तरफ ये NH80 राष्ट्र राजमार्ग मुंगेर भागलपुर पर पूरी तरह से खंडरा बन ही गया है और साथ में न्यू फोर लाइन हाईवे रोड पर भी जो मिट्टी भराव का काम चल रहा है वहां पर भी काफी धूल कोहरों जैसा उड़ रहा है। देखिए, इसमें किसी का दोषी ना है, इसमें समय का दोषी है, जो कि समय के बदलते हुए हर चीज को बदलना पड़ता है और उस परेशानी से जूझना पड़ता है। देखिए, ये NH80 राष्ट्र राजमार्ग मुंगेर भागलपुर NH80 है, जो कि बरियारपुर चौक से मुंगेर। देखिए कितना धूल उड़ने लगा। इस तरह अगर 100 गाड़ी लगातार रेगुलर चलते रहेगा तो यहाँ का व्यक्ति को जीना हराम हो जाएगा। देखिए, इस गड्ढा की प्रॉब्लम से ऑटो टोटो रिक्शा रिक्शा वाले को कई बार घटना दुर्घटना भी हुआ है, साथ में यहाँ की कई व्यक्ति इस घटना से जूझा भी है।